चलिए सबसे पहले बात करेंगे अंतिम डेटा बात करेंगे मतलब सबसे पहले बात करेंगे अंतिम डेटा की। तो ये जो हमारा अनकुट डेटा होता है, अनकुट डेटा का मतलब ये है कि वो डेटा ऐसे ही स्कैटर्ड है, ऐसे ही फैला हुआ है, उसमें हमें ये नहीं बता रखा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दे रखी है। और अगर कहीं पर फ्रीक्वेंसी मेंशन होती है तो हम बोलते हैं कि उसकी ग्रुपिंग कर रखी है। जैसे हमें ये बता देते हैं कि किसी क्लास में 50 नंबर या 40 से 50 के बीच कितने बच्चों के नंबर आएंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है 10 बच्चों के नंबर, तो 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी हो गई 10। ठीक है, अगर ये बोला कि 50 से 60 के बीच कितने बच्चों के नंबर आएंगे, ऐसे भी 12 बच्चे हैं, तो 50 से 60 के बीच में जिनके नंबर आएंगे वो 12 बच्चे हैं, तो 12 क्या होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 टू 60 की फ्रीक्वेंसी 12 होगी। तो जब प्रॉपरली ना एक फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन कर रखी होती है, एक टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा होता है, उसको तो बोलते हैं ग्रुप डेटा। और जो ऐसे ही फैला देते हैं कि लो भाई लो ये रहा डेटा है ना, ये तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का जब मीडियम निकालना होता है तो कैसे करते हैं, दो तरीके होंगे यहाँ पर। और अनग्रुप्ड डेटा में यहाँ लिखेंगे हम ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड देन median is equal to n plus 1 upon 2th observation, तब median ये होगा n plus 1 by 2th observation। ये कब होगा, जब number of observations आपकी odd होगी। अच्छा हाँ आ रहा होगा उसी तरह, वो even के केस का है, तुम बता दो इवन के केस का। अगला देखिएगा, अगला है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन देन median is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th, मतलब इसमें प्लस यहां पर न्यूमरेटर में n plus 1 है लेकिन यहां पर प्लस 1 अलग है, n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन को शॉर्ट में ओबीएस लिख रहा हूँ, ओबीएस अपॉन टू। अगर कभी भी दो नंबर मेरे को दे रखते हैं ना और दो नंबर को हम ऐड करके डिवाइड बाय टू करते हैं तो वो उनका एवरेज होता है। वो जो तुम एवरेज बोल रहे हो या मीन बोल रहे हो वो यही बात है कि दोनों नंबर को ऐड करा और डिवाइड बाय टू कर दो। ठीक है, अच्छा बस इतना नोट करिएगा। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन देख लेते हैं सर, अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, बेहद आसान कुछ नहीं। दो एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके अलावा कोई नई टाइप इसमें बनेगी ही नहीं। आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हम ये कहते हैं फाइंड द मीडियन आ सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन मीडियन की स्टार्टिंग एक से फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब अच्छा आया ना, अगर ये तो एक नंबर वाले में आएगा, एक से ज्यादा की इसकी वेटेज नहीं है, ये वाला जो अनग्रुप्ड डेटा वाला है, डेटा दे रखा है 2, 3, 11, 4, 9, 17, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना बहुत है। ठीक है, तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो ये क्या हो गया, कितने ऑब्जर्वेशंस कितनी है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन, ये क्या हो गया, कितनी है ये, मतलब ऑड है या इवन है, ये ऑड हो गया। तो हम ये कहेंगे कि हियर
सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। स्टेप वन, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, डिक्रीजिंग में भी लगा सकते हो, पर एक ही पैटर्न याद करके चलो, इंक्रीजिंग में लगाना थोड़ा आसान रहता है। इंक्रीजिंग में लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, उससे बड़ा क्या है 3, उससे बड़ा क्या है 4, 4 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11, 13 और 17। ये हो गया। अब मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर ऑड है। हाँ, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे, अच्छा एक मिनट शांत करो, पहले देख तो दो, बताता हूँ ना। हियर n इज इक्वल टू 7, दैट इज ऑड, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 एन ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 अपॉन 2 एन ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है 7, 7 प्लस 1 अपॉन 2 एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 7 प्लस 1 क्या हो गया 8, 8 अपॉन 2 क्या हो गया 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब समझ रहे होंगे फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, हम 2, 3, 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो इसका मतलब इसका मूल्य क्या हो गया 9। देखो जो तुम कंफ्यूज हो रहे थे वो यहाँ हो रहे होंगे कि मैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं या ना लगाऊं, n प्लस 1 बाई 2 तो हमारा 4 ही आएगा, है ना। लेकिन 4 नहीं, मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लगाऊंगा तो चौथी ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, चौथी ऑब्जर्वेशन 4 आ रही है, तो वहां मैं वहां मेरे से गलती हो जाएगी, ठीक है ना। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तब मैंने देखा कि चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है 9 है, दैट्स व्हाई मीडियन इज 9। समझ गए, चौथी ऑब्जर्वेशन 4 नहीं, चौथे नंबर पर कौन सा नंबर लाई कर रहा है वो हमारा मीडियन होगा। बताइए बेटा ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है, ठीक है, ये सर ठीक है जी। अब उसके बाद देखिएगा, ये हो गया ऑड वाला केस, ऑड वाला केस तो आसान रहता है। अब इसके बाद इवन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। अभी तक मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, बेटा फोन रख लो, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें भी हमको अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, आप ये समझो, यहाँ पर ये समझिए कि ये डेटा दे रखा है, एक नंबर बढ़ा दो बस कोई, ये हो गया 2, 3, 11, 4, 9, 17, 13 और चलिए 8, ठीक है। तो हमारे पास अब नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, इवन हो गई, ठीक। इस केस में क्या करेंगे, पहला स्टेप तो बेटा वही है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। अरेंज का डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का डेटा को लगाइए, तो ऐसे ही लगा लेते हैं 2, 3, 4, 9
1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई 8, ठीक है। तो हियर एन इज इक्वल टू 8, हियर एन इज इक्वल टू 8, दैट इज इवन। सो मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टू एफ, एन बाई टू एफ, एन बाई टू एफ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन। याद रहे कि इवन में ये प्लस का वन अलग होगा, प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करना है, ठीक है। तो एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो 8 अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, 8 अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस 8 अपॉन टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। तो 8 अपॉन टू क्या हो गया 4, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 8 अपॉन टू हो गया 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 हो गया 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगा दिया था, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 8, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 9। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गई 8, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गई 9, 8 प्लस 9 अपॉन टू यानी कि 17 अपॉन टू कितना हो जाएगा 8.5, तो ये मीडियन हो जाएगा। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, क्लियर है सभी को? यस सर। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। बताइए अर्पिता, आस्था, अवंतिका, देवशी, निकुंज। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। हाँ, ये हो सकता है, अगर डेटा में नहीं दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज इवन वाले में ऐसा ही होगा कि वो डेटा में नहीं होगा, लेकिन ऑड वाले में वो डेटा में शामिल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, अब इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्ड डेटा वालों पर। ग्रुप्ड डेटा वाले का कोई मेथड वगैरह नहीं दिखाऊंगा, सीधा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। छुपाकर क्या करूंगा बता दूंगा ना, टेंशन कौन लेते हो आदि जी, तो तुम टेंशन में भूल जाते हो। देखो इक्वल करने का भी तरीका होता है, लेकिन वो वाली चीजें जो है ना, वो लगभग 10-12 साल पहले कभी आया करती थी, अब वो हटा दिया है, वो चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें मेंशन करते, हालांकि 9th क्लास में आपने करा होगा, 9th क्लास वो चीज नहीं, वो चीज नहीं, वो क्लास साइज अनइक्वल बोल रहा है। एक में दे रखा है 0 से 10, दूसरे में दे रखा है 10 से 30, मतलब एक में 10 का क्लास डिफरेंस है और एक में दे रखा है 20 का। वो चीज आप लोग 9th में कर चुके हैं, जिसमें आपको एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालनी होती थी। आप तो छोड़ो ना, उसको जरूरत ही नहीं है, वो सिलेबस में ही नहीं है। तो 9th में था, तो आप करके आ चुके, 10th में नहीं है, ठीक है। 10th में करने के लिए और बहुत सारी चीजें, बाकी अनुभव बता ही रहे, ठीक है। चलिए, तो आप इसमें मीडियन में एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। अभी मैंने कोई फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला देख लीजिए इसका, और ग्रुप की डेटा मीडियन, मीडियन को एम बोल देते हैं, एम होता है एल प्लस एम बाई टू माइनस सी एफ उसके टेबल बेहद आसान है, टेबल में कुछ नहीं है। एल का मतलब होता है
लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। कैपिटल एन क्या होता है? ये होता है सिग्मा एफ आई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का, क्योंकि अब मैं ग्रुप के डेटा की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप के डेटा में फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, मतलब मीडियम क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास स्मॉल है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। H क्या होता है? Distance between the class meter. Class size, सीधा सीधा class size बोलो। ठीक है, अब देखिएगा, अभी तो ये डेटा लिखवाया है, क्या क्या है। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बेहद आसान है, फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें अननोन वैल्यू निकालनी होती है, और एक आता है कि सीधे सीधे आपसे ये पूछा जाए कि आप मीडियन निकाल दीजिए। ठीक है, कैपेबिलिटी से ही एक्सपीरियंस डेवलप होता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्ती पक्की है तुम्हारी, उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है, तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता है। अच्छा, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गया। चलिए, नहीं समझ पाए ना। अच्छा, कैपेबिलिटी प्लस एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्शन, समझ रहे हैं भाई? आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी स्लो चलता थोड़ा, नहीं है ऐसा, नहीं बहुत बदमाश है। चलो जी, देखिएगा एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पेज नंबर 287 पर है, एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ। तो इसमें ना मंथली कंजम्पशन दे रखा है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखा है। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, मंथली कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है ये 65 to 85। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मंथली कंजम्पशन नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या हो गया, 65 से 85, 85 से 105, 105, 105 से 125। चलो पॉइंट वाली में एंड क्या बता रहा हूँ,
135 से 145, 145 से 165, फिर 165 से 185 और 185 से इतना 205, ठीक है। तो ये तो इतना डेटा दे रखा है मेरे को, ये तो क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल के बाद उन्होंने बोला नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो भी दे रखा होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा सीधा एफ आई लिख रहा हूँ, एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या दे रखा है देखिएगा, 4, 5, 13, 20, 14, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 8 और 4, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद में मैं निकालूंगा इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हमें और कोई चीज, जैसे कि आप मीनिंग निकालते थे एफ आई एक्स आई या एफ आई डी आई या एफ आई यू आई, वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। वो क्या होता है, सबसे पहले 4 पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इज आएगी, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे, 4 + 5 कितना हो गया 9, फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे, 9 + 13 कितना हो गया 22, फिर 22 + 20 करोगे कितना हो गया 42, 42 + 14 करोगे ये हो गया 56, 56 प्लस एट कितना हो गया 64, 64 प्लस 4 कितना हो गया 68, और क्वेश्चन में भी यही दे रखा था कि 68 कंज्यूमर्स का डेटा गिवन है। एक मिनट, अभी बता रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि जैसे सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि क्लास में ना, क्लास में तो कभी कंफ्यूज मत होइए। जैसे क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू दे रखी होती है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये तो क्लास इंटरवल है, इन दोनों में गैप कितने का है, क्लास साइज ये क्या है, क्लास साइज है 20, इसको बोल देते हैं बेटा एच, क्लास साइज को बोलते हैं एच, के क्लास का साइज कितना है, मतलब गैप कितना है। और एक तीसरा टर्म आता है इसमें क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या होता है, दोनों की मिड वैल्यूज, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स होते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलती है, 65 से 85 है तो 65 और 85 को दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 150 अपॉन 2, यानी कि क्लास मार्क्स होता है बेटा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अच्छा, और इसको क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। क्लास साइज क्या है कि कितना गैप है, क्लास इंटरवल में कितना गैप है, क्लास इंटरवल में कितना गैप है, 20-20 का गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लास साइज। और क्लास मार्क क्या होता है, लोअर और अपर लिमिट दोनों को एड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, क्लास मार्क्स की जरूरत पड़ती है हमको मीन कैलकुलेट करने में। ये बता दीजिए क्लास साइज क्लास मार्क्स क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, ये होने के बाद में फिर मैं बात करता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम क्या करेंगे कि जैसे ये तो सारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं है, ये जो डेटा है ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। पहली चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का यहाँ पर नफरा है ही नहीं, ठीक है, अनग्रुप डेटा नहीं है, ग्रुप डेटा है, उसका कोई लफड़ा नहीं है, छोड़ो उसको। उसके बाद क्या करेंगे, तो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको तो एज इज लिख दो, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली कैसे आएगी, 4 + 5 = 9, 9 + 13 = 22, 22 + 20 = 42, 42 + 14 = 56, 56 + 8 = 64, 64 + 4, ठीक है। और क्या करेंगे हम, ये मैंने ठीक करा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, सबको ऐड कर डालो, सबको ऐड करो तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, इसी को तो कैपिटल एन बोलते हैं। तो 4 + 5 = 9 + 3 = 12 + 4 = 16 + 8 = 24 + 4 = 28, 2 + 1 = 3 + 2 = 5 + 1 = 6, तो एन इज इक्वल टू 68 आ गया। तो मुझे लगता है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मैंने केवल और केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अगर मेरा सारी फ्रीक्वेंसीज का सम लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है
तो मैंने ये ठीक करा, लेकिन मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, समझ गए? ये खुद को चेक करने का तरीका है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, कोई ज्यादा मतलब टैक्टिक्स वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें। आगे देखो आगे, अब मैं बात करता हूं, इसमें दो एक स्टेप है। पहला स्टेप उसके बाद स्टेप सेकंड, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू, जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू मतलब एन बाई टू से जो जस्ट बड़ी हो वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। एन बाई टू क्या है? 34। 34 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 42। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गई n by 2 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है ना, ये हमारी मीडियन क्लास होगी। तो अब स्टेप 3 में आप लिखेंगे, देखिएगा 125 टू 145 इज द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास होगी, और जब ये मीडियन क्लास हो गई, अब सब काम हमारा सॉल्व हो गया। तो स्मॉल एल, स्मॉल एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की, यानी कि इसको भी आप एक बॉक्स में बंद कर लो, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 125। अगला देखो कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन में कैलकुलेट कर चुका हूँ कितना है? 68। अगला देखिए कैपिटल सी एफ, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मीडियन क्लास मतलब मीडियन क्लास तो ये वाली है, इससे जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 22। तो सी एफ लिखेंगे 22। उसके बाद स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसी की फ्रीक्वेंसी 20। फिर एच, एच क्या है? क्लास साइज, जिसको क्लास विड्थ भी बोल देते हैं कई बार, एक ही बार क्लास की चौड़ाई मतलब क्लास विड्थ वो भी बोल देते हैं, तो ये क्या है? 20 है। ठीक, ये सारा डेटा अगर मेरे पास आ गया तो इसमें फॉर्मूले में डालो, हो गया काम। तो मीडियन क्या है? एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एल अपॉन स्मॉल एफ टू एच। एल क्या है? 125 प्लस एन बाई टू कितना कैलकुलेट करा था? 34 माइनस सी एफ कितना था? 22 अपॉन एफ कितना था? 20 इंटू एच कितना था? 20। 20 से तो 20 कट गया, 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा बताओ? 1 हो गया। 125 प्लस 1 कितना हो गया? 137। और ये देख लेना कि जो मीडियन है वो इस मीडियन क्लास में बीच में कहीं लाई करेगा, 125 और 145, 125 और 145 के बीच में ही आनी चाहिए वैल्यू। 137 आ रही है तो इसका मतलब ठीक करा है मैंने, अगर कहीं उसके बाहर की वैल्यू आ जाएगी ना तो समझ लेना गलती हो गई। बिल्कुल आ सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोबारा बता रहा हूँ, इसमें जो घंटी बजनी चाहिए वो कहाँ बजेगी घंटी? ध्यान रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में,
ज्यादातर बच्चे मतलब 90% बच्चे जो मीडियम का क्वेश्चन गलत करेंगे वो यहाँ करेंगे, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही वाली ले लेते हैं। ये गलती मत कर देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस ध्यान रखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट शुड बी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, इसके ऊपर वाली होगी। तो ये वाला जो है भाई साहब यहाँ पर स्टार्ट वाली है बस, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड n, है ना। अच्छा ये ऐड करो तो 68 आ गया, तो n बाई 2 निकालना है, मतलब 68 अपॉन 2 कर दिया तो ये आ गया 34। अब आपको क्या करना है, आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जो 34 से जस्ट बड़ी हो, n by 2 से जस्ट बड़ी हो। तो n by 2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो 22, 34 से छोटी है, 42 जस्ट बड़ी है, आगे की भी सारी बड़ी है लेकिन जस्ट जो उससे बड़ी हो वो वाली बतानी है। तो जस्ट बड़ी कौन सी है, 42। 42 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास है दैट इज कॉल्ड मीडियम क्लास। अब इसमें एल जो है ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, 125। कैपिटल एन पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, मीडियम क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये है लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, तो 22 लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियम क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, ये 20 हो गई। और एच क्या है, 125 और 145 में कितना गैप है, 20 का गैप है ना, तो 20 हो गया, समझ गए। अब सारी वैल्यूज उसमें डालनी, आंसर आ गया 137। ये इनके बीच की वैल्यू होनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो गलत कर दिया हमने, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, समझ गए ठीक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने के दो चेक पॉइंट्स है। पहला चेक पॉइंट कि मेरा ये लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सारी फ्रीक्वेंसीज का सब सेम आना चाहिए, अगर ये गलत है तो हम गलत है। हमारी जो वैल्यू है वो मीडियम क्लास के बीच में ही लाई करनी चाहिए, मीडियम की वैल्यू, अगर ये सही है तो सही है, नहीं तो हम गलत, समझ गए। ठीक ठीक एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए सर, फिर मीडियम की लाइक यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होगी, क्या होगा आपको देखिएगा, जैसे ये क्लास इंटरवल दे रखा है ना मेरे को, तो क्लास इंटरवल जो है उसमें जो वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, ठीक, तो वो यूनिट्स है। और यूनिट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर। तो अगर किसी क्वेश्चन में किलोग्राम दे रखा है तो मीडियम की यूनिट हो गई किलोग्राम, किसी में किलोमीटर दे रखा है तो उसकी यूनिट हो गई किलोमीटर। जरूरी नहीं है वैसे लिखना, ठीक है ठीक है बताइए जी, समझ गए। ये जो क्लास इंटरवल है इसमें जो चीज लिखा हुआ हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा है मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, तो ये 137 यूनिट्स लिख देना यहाँ पर, यही बना बस, तो बढ़िया हो गया होगा। उसके बाद आगे देखोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटा देखो पेज नंबर 289 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसमें लिखा है लाइफ टाइम और ब्रैकेट में लिखा है आवर्स, तो इसमें जो आप मीडियम निकालेंगे वो आवर्स में आएगा, इसमें जो मीडियम की यूनिट होगी वो आवर्स होगी, समझ गए ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल में यूनिट दे रखी होगी वही आपकी मीडियम की यूनिट होगी, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखूंगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये वाला मिटा रहा हूं मैं, इधर ही करेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ऐसे बैठे तुम दिखते रहो है ना,
वो दोस्ती निभा रहा है। नहीं सर, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा। If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. Okay. Question number two से और इसका concept clear होगा, देखिएगा। यहाँ दे रखा है class interval। अब आप ये देखो, ये वाला जो question है, इसमें कुछ भी mention नहीं कर रखा है class interval को, जैसे इसको पहले लिखा हुआ था इन units, यहाँ पर कुछ भी mention नहीं करा है, तो यहाँ पर median की कोई unit नहीं डाली है आप, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा। सर कई बार सर ऐसा होता है, हमें पूरा जो ग्राफ गिवन होता है, टेबल जो मतलब पूरा गिवन रहता है सर, इसमें कुछ फाइव और किसी ने कोई कई बार एक्स दे देते हैं और कई बार वाई दे देते हैं, हमें वो फाइंड आउट करना होता है। वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, बात को जल्दी करो। 40 to 50, 50 to 60 वही वाला क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई जैसे दो अलग अलग स्कूल में वही वाला क्वेश्चन ही देते हैं। तो आप मैं बता रहा हूँ, हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, दो मिनट इसको लगे हो जाएगा। इसको करो समझ रहे हो कि नहीं, 5x 20 15 पूरा ध्यान दो। अब क्या करिए, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको सबको ऐड कर दो, इनको सबको ऐड करा तो ये कैपिटल एन की वैल्यू आएगी। क्या आएगी वैल्यू देखो, 5 + x + 20 और पहले नंबर ऐड कर दो, 5 + 20, 25 + 25 = 40, 45 तो उसके बाद मैं निकालूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो हाँ, ये भी दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 दे रखी है, ये बात ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है 60, मीडियम भी दे रखा है, मीडियम दे रखा है 28.5। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे पहली वाली वैल्यू 5 को तो एज इट इज लिख दो, फिर अगली वैल्यू क्या होगी 5 + x, यानी कि 5 और 5 और 6 की चीज ये टर्म को दे रखा क्लास इंटरवल, इसका जो टर्म होगी वो 60 होगी। ये साइन फ्रीक्वेंसीज का सम दिया था, ये तो सर यहां पे भी 60 आएगा ना 5 के आगे वाली, ये 50 से 60 दे रखा है सर। हां हां, सी यहां वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, तो सर हम यहां पे टेस्ट 60 होगी। सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी आज से लेगी, फिर दूसरी आएगी 5 + x, हां 60 का आया दे रखा था, गिवन दिखा था 45, ये तीन सबको ऐड करके आया। हमने कहा कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालने का दो तरीके, एक तो ये है कि इन सबको ऐड कर दो, और दूसरा तरीका कुछ है ही नहीं क्योंकि वो 60 दे रखा है पहले से, कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 60 है, 45 ऐड करने का, ये इनको ऐड करने का, 5 + 20 = 25, 25 + 15 = 40, 40 + 5 = 45, सर मीडियन क्या है, और एक्स और मीडियन है 28.5। अब देखो सबसे पहले 5 + x हो गया 5 + x, 5 + x + 20 कितना होगा 25 + x + 15 कितना होगा 40 + x, 40 + x + y कितना होगा 40 + x + y कितना होगा 45 + x + y, इसका मतलब हमने ठीक करा है, ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, मैं तो वही करूंगा स्टेप नंबर वन, स्टेप वन मैं हाँ क्या सारे स्टेप बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं कर दे, स्टेप वन है पॉइंट एन बाय टू, ये जो एन है कैपिटल एन जो दे रखा है
इसकी जरूरत है, जरूरत है चलो निकाल दो फाइनल पॉइंट। n by 2 कितना हो गया, n by 2 मतलब 60 upon 2, ये आ गया 30। अब स्टेप सेकंड जो है ना, स्टेप सेकंड ये होता है कि मुझे मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है। मैं ये देखता हूँ कि n by 2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आप स्टेप सेकंड को स्किप करो, इधर ये लिखिए सिंस इट इज गिवन दैट। भाई मेरी बस एक छोटी सी बात बताइए कि जो हम n by 2 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं वो क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए मीडियम क्लास कौन सी है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ सिंस इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट मीडियम is equal to 28.5, ये दे रखा है, median is equal to 28.5 दी गई है, हाँ median की वैल्यू दे रखी है मुझे, therefore median class बताओ क्या होगी, बिल्कुल सही, median class ये हो जाएगी 20 से 30। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके बीच में ही median lie करता है, समझ गए। तो 28.5 20 to 30 के बीच में को lie करेगा, बताइए बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये बात, सब निकल गया। बताइए जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, निकुंज, आस्था, अवंतिका, अंश, यस सर, क्लियर है, अर्पिता, देवशी बताइए, यस सर, ठीक है। मीडियम क्लास आ गई 20 से 30, अच्छा ये अब सारी वैल्यूज निकालेंगे हम, एंड होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास क्या है 20, कैलकुलेट कर चुका हूँ 30, CF क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है, पर मीडियन क्लास वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन इससे ऊपर वाली चाहिए मुझे 5+x होगी, तो ये हो गया 5+x फॉर स्मॉल f, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 20, यानी कि क्लास साइज कितना है 20 से 30, यानी कि 10, क्लास साइज है 10। ये करने के बाद में अब आप सीधा मीडियन का फार्मूला लगाएं, मीडियन कितना दे रखा है 28.5, अब इधर लगाओ मीडियन का फार्मूला, m plus n by 2 minus f upon f into h is equal to 28.5, l कितना है 20 प्लस एम बाई टू कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है 5+x अपॉन एफ कितना है 20 और एच कितना है 10 इज इक्वल टू 28.5, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसका एलसीएम ले लो 2 × 20 कितना हो गया 40, चलो ऐसा कर लो, तो ये न्यूमरेटर में क्या बचा 30 − 5 − x अपॉन 2 और 20 को उधर ले जाइए, 28.5 − 20 हो गया, ठीक है, उसके बाद 30 − 5 कितना हो गया 25 − x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8.5, 8.5 2 का कितना होता है 17, इधर करो 8.5 2 हो जाएगा 17, तो 25 − x is equal to 17, अब इसको इधर ले जाओ −x is equal to 17 − 25, −x is equal to −8, माइनस से माइनस कर दिया, x की वैल्यू जो आ गई 8, ये बता दीजिए बेटा सबको क्लियर है, हाँ x की वैल्यू तो 8 आ गई, उसके बाद y की वैल्यू निकालना बेहद आसान है, क्योंकि हाँ क्योंकि आप ये देखिए सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है 45 + x + y, ठीक है, और वो 60 के इक्वल जो है, तो हम ये कहेंगे सिंस
45 plus x plus y is equal to 60. So 45 plus x to the 8 plus y is equal to 60. So ये हो गया 53 plus y is equal to 60. तो y 60 minus 53 कितना हो जाएगा 7. y की वैल्यू आ गई 7. बताइए जी क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बस एक काम कर देना, मैंने दो क्वेश्चन कराए हैं आपको एक्सरसाइज 14.3 के, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आज ही निपटा दो, ये 5 क्वेश्चन आज ही निपटा दो, जो डाउट आएगा सुबह 9:30 बजे करा दो और फिर मोड भी कली करा दो. ठीक है, वीडियो का मोड कंप्लीट हो जाएगा. जिस बच्चे को मीन पढ़ना हो बता देना, जिसको मीन मुझे लगता है आपको आता है चलो करा दो. खत्म हो गए ना एग्जाम्स. नमस्ते.